हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आपको ये लाइनें पढ़ करके थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लिखा हुआ है, आई हैड फेल्ड टू रियलाइज माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एयरफोर्स पायलट। मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सपना नहीं टूटा था एयरफोर्स में पायलट बनने का। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही बड़ी शख्सियत की, आप सब लोग उनको जानते होंगे। और मैं सिर्फ ये लाइनें इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको भी ये समझ में आए कि जब आपके सपने टूटें, जब आपको लगे आप ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं, और आप देखते हों बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को, बहुत सारे फेमस लोगों को, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको आप अभी समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस आपके पास ही वो खुशियाँ नहीं हैं। तो आप समझिए कि उनको भी ये खुशी ऐसे आसानी से नहीं मिली है, बहुत कुछ संघर्ष उन्होंने भी झेला है। लेकिन जो संघर्ष होता है वो कोई नहीं देखता, ना तो उसके बारे में कोई बात करता है, कोई बात करना भी नहीं चाहता है। लोग सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही देखते हैं और फिर वैसे ही बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष देखना भूलते हैं। तो खैर, ये लाइनें हैं किसकी? ये लाइनें हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और बहुत ही महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ, उनका भी सपना था कि वो एयरफोर्स के पायलट बने, लेकिन ये उनका सपना पूरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने एग्ज़ाम दिए, वो इंटरव्यू के प्रोसेस तक भी पहुँचे। 25 लोगों का इंटरव्यू होना था और पोस्ट केवल 8 थी। आपको पता है APJ अब्दुल कलाम 9 आए थे उसमें, मतलब उनकी पोजिशन 9th थी। सिर्फ एक प्लेस से वो चूक गए एयरफोर्स के पायलट बनना, और इस बात से उनको भी बहुत ज़्यादा झटका लगा। उनको भी ऐसे लगा टूट गए उनके सारे सपने, सब कुछ दांव पर रख करके जो वो इंटरव्यू देने गए थे, अब तो उनके पास घर लौटने के भी पैसे नहीं थे। कैसे वापस आते, किस मुंह से वापस आते, और घर वालों को क्या जवाब देते? तो उनका भी एक तरफ मन विचलित होता है। वो भी कहते हैं आगे कि मैं भी आगे बढ़ता गया और मुझे लगा एक चट्टान की ऊंचाई पे पहुंच करके या फिर उसकी क्लिफ पे पहुंच करके उनको भी ऐसा लगा कि सब कुछ, ज़िंदगी का ख़त्म है। लेकिन फिर भी उनके मन में उसी समय एक बात ये आती है जिसको वो, ये सारी चीज़ें वो अपनी किताब में बताते हैं। वो कहते हैं, इट इज़ ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विथ फेलियर डू वी रियलाइज दैट दीज रिसोर्सेज वर ऑलवेज देयर विद इन अस, वी ओनली नीड टू फाइंड देम एंड मूव ऑन विथ आवर लाइव्स। तो वो बताते हैं कि जब तक आपको असफलता हाथ नहीं लगती, तब तक आपको ये एहसास नहीं होता कि जो भी रिसोर्सेज आप सोच रहे हैं आपके अंदर नहीं है, या आप सोचते हैं कि आपके आसपास नहीं, आपके हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारी शक्ति है, सारा दिमाग है, सारा एफर्ट है, बस आपको रियलाइज़ नहीं हो पाता है। और आपको रियलाइज़ ही असफलता ही कराती है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और आपको आगे चल के क्या करना है। तो कभी भी आप असफल होते हैं तो उसको इतना ज़्यादा दिल से मत लीजिए, और अपनी असफलता को किसी की सफलता के साथ कंपेयर मत करिए कि कोई एक बार में सफल हुआ, दो बार में हुआ, या फिर आपका दोस्त सफल हो गया, आप पीछे रह गए। ज़रूरी नहीं कि जिस पोस्ट के लिए आप बने हैं उसी पोस्ट के लिए आपका दोस्त बना हो। हो सकता है आपका दोस्त क्लर्क पोस्ट के लिए ही बना हो और आप PO के लिए बने हो, या उससे भी ज़्यादा आगे चल के IS के लिए बने हो। कोई जानता नहीं था APJ अब्दुल कलाम एयरफोर्स के पायलट बनने का सपना उनका टूटा, तो किसी को पता नहीं था कि एक दिन का मतलब सन 2006 में APJ अब्दुल कलाम का सपना भी पूरा हुआ। उन्होंने Sukhoi-30 विमान को, जो कि हमारा फाइटर प्लेन है, उसको उड़ाया। तो इनका भी सपना पूरा हुआ, लेकिन APJ अब्दुल कलाम के हिस्से में, या फिर कह लीजिए उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एयरफोर्स का पायलट बनना नहीं लिखा था, उनकी ज़िंदगी में लिखा था कि वो भारतीय सेना, जो भी तीनों उसकी कमांड हैं, चाहे वायुसेना की बात करूँ, थल सेना की, जल सेना की, तीनों के वो हेड बने। मतलब वो हमारे राष्ट्रपति थे, और आपको पता होगा एक राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है। तो वो एक छोटे से पायलट बनकर के ही अगर खुश हो जाते, या फिर उनकी ज़िंदगी में बनना होता, एक केवल पायलट ही बनना होता, तो वो इस तरह इतने बड़े पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी से कोई मौका निकले और आपको लगे कि आप चूक गए, आप पीछे रह गए और आगे निकल गए, तो ये मत सोचिए कि बस यही आपके लिए आखिरी समय है। नहीं, हो सकता है आपके लिए इससे बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हों। बस हमेशा अपनी एकाग्रता, अपना ध्यान और अपना विश्वास अपने ऊपर बनाए रखिए। अगर आप अपना विश्वास अपने ऊपर बनाए रखते हैं तो ये समझिए दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको पता होगा आपके बॉलीवुड के बहुत ही महान अभिनेता हैं, जिनको सदी का महानायक कहा जाता है, अमिताभ बच्चन। उनको आकाशवाणी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया या नौकरी नहीं दी गई, उनको कहा गया उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है या फिर आकाशवाणी के लायक नहीं है।
और आपको अब तो पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन अपनी उसी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, और अगर वो उस समय आकाशवाणी में नौकरी कर लिए होते, उनका सिलेक्शन होता, तो शायद आज वो अमिताभ बच्चन नहीं बनते। तो खैर, ये सारी चीज़ें तो हैं। जब आप किसी सफल इंसान को देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि उसके पीछे असफलता नहीं, बहुत ही आसान डगर रही होगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी असफलताएँ देख करके, झेल करके जो लगा रहता है, उसी को आगे चल के बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल होते हैं। ये अलग बात है कि आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते, या फिर उसको कई सारे बहानों में आप लपेट करके सोचते हैं कि अब बस हुआ, अब आगे और कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत करिए। ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि SBI क्लर्क के आपके रिज़ल्ट आए हैं, बहुत सारे लोगों के सपने टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे भी हुए हैं। उन्हीं में से मेरे पास एक मेल भी आया, तो मेल को मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेल को पढ़ करके। वैसे तो मैंने फेसबुक पे देखा, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया उनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे लोग निराश हुए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप भी इन दोनों कैटेगरी में से किसी ना किसी एक में तो आते ही होंगे, तो हमेशा ये आप विश्वास रखिए अपने में कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको ज़िंदगी में क्लर्क ही बनना है। हो सकता है आप कल को SBI PO बने, या फिर उससे आगे की कोई पोस्ट आपको मिले। तो आप अपनी मेहनत को ऐसे मत समझिए कि जाया हुई है, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, कमियों को अपनी दूर करिए, अपने अंदर झांकिए, बहानों को छोड़िए कि मैं बीमार हो गया था, फिर बारिश हो गई थी, या फिर मैं पढ़ नहीं पाया, घर में परेशानी थी। बहानों को छोड़ करके अपने अंदर की कमी को महसूस करिए, एक्सेप्ट करिए और उसको दूर करिए, तभी सफलता आपके हाथ में लगेगी। बहाने बना के कुछ नहीं होता। आप आज एग्ज़ाम देना छोड़ भी देंगे तो उससे दुनिया में किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि एक कॉम्पिटिटर और ख़त्म हो जाएगा, और कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे मैं APJ अब्दुल कलाम की वो फ़ोटो भी आपको दिखाना चाहूँगा, जब उनका ये जो ड्रीम था, जिसको वो सोच रहे थे कि ये बेकार हो गया, फेल हो गया मैं, ये उनका ट्रू हुआ था। उन्होंने Sukhoi 30 विमान को उड़ाया था और उनको बहुत अच्छा लगा था। तो समझिए, अगर आप अपने पथ पे चल रहे हैं तो आपके सोची गई हर एक चीज़ ऊपर वाला पूरी ज़रूर करेगा। आपको लगता है कि नहीं पूरी हुई है, देर से सही पूरी ज़रूर होती हैं, बस आप अपनी तरफ से जो मेहनत है वो 100% रखिए। आपको मैं मेल दिखाता हूँ, कल मुझे मेल आया नवनीत रंजन का। उन्होंने कम शब्दों में आपको बताता हूँ यही बताया कि बहुत दिनों से वो फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लगभग 30,000 जब सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तब से वो मुझे फॉलो करें। हालांकि इसमें एक बात थोड़ी सी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि ये या तो 30,000 सब्सक्राइबर्स से मुझे फॉलो कर रहे थे, या तो दिसंबर 2016 से फॉलो कर रहे थे, क्योंकि दोनों बातों में से केवल एक ही बात सही हो सकती है। और मुझे लगता है जब मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स रहे होंगे स्टडी स्मार्ट के, तब से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर तक तो 1,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो इन्होंने बताया फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कौन सेक्शन का अच्छा था, लेकिन वही है कि आपकी स्पीड जो होती है वो आपको धोखा देती है, लेकिन फॉलो करते रहे। हालांकि इन्होंने तो ये लिखा है कि केवल मेरे वीडियोस ही इन्होंने देखे और आगे चलते रहे और फॉलो करते रहे, और इनका सिलेक्शन हो गया आज, अब SBI क्लर्क में इनका सिलेक्शन हो गया है। और इन्होंने बताया RRBPO का भी इनको देना है एग्ज़ाम मेंस का, और इन्होंने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मणिपाल का एग्ज़ाम होता है वो भी पास किया है, RBI Phase 1। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पास करी हुई हैं इस साल, तो काफ़ी अच्छा साल रहा इनके लिए। तो मैंने भी इनको धन्यवाद किया कि आप इसी तरह काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और नौकरी ईमानदारी से करिए। तो ये जो मेल है मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ, जब मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स थे, मतलब आज से लगभग 2 साल पहले की बात होगी, तो 2 साल पहले में ऐसा जरूरी नहीं कि इनको आज सफलता हासिल लगी। इन्होंने अगर ये एक लाइन लिख देते मैं पास हो गया SBI क्लर्क में, सब ये पूछते भाई कैसे किया कैसे किया, तो ये क्या बताते कैसे किया। सिर्फ यही बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा ऐसे पढ़ा, लेकिन इसके पीछे भी 2 साल इन्होंने कितने सारे एग्जाम्स में फेलियर देखी होगी, लेकिन फिर भी रुके नहीं, लगे रहे, तो सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी। खैर, इन्होंने मेरे वीडियोस के अलावा बहुत कुछ और देखा होगा मुझे पता है। तो आप भी हमेशा ये प्रयास करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं। कभी भी इतना ज़्यादा चूजी होने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी एक जगह रुकने की ज़रूरत नहीं है, और कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों में जो कमियाँ निकालते रहते हैं दिन भर बैठ करके, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप केवल कमियाँ अपने अंदर निकालिए, अपने अंदर की आप कमियां निकालिए और उनको दूर करिए, बाकी जमाने को छोड़िए। केवल अपने अंदर की कमी निकाल करके आप दूर कर लेंगे, देखेंगे आप कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन होता उल्टा है, लोग दूसरों की कमियां गिनाने में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये गलत है वो गलत है, अपनी कमियाँ नहीं देखते, इसीलिए वो दूसरों की सफलताएँ देखते हैं और अपनी विफलताएँ देखते हैं।
तो बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी कि सफलता और विफलता, और ये कोई सफलता आपकी ज़िंदगी की आखिरी सफलता नहीं है कि आपका कहीं एक जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत होती है। आप SBI क्लर्क में नहीं हुए तो SSC में सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, PO बन जाएंगे, RRB में सिलेक्शन हो जाएगा, RBI में हो जाएगा, ये तो ज़िंदगी की एक शुरुआत है। असली जो परीक्षाएं हैं और असली जो आपकी सफलताएं हैं ये इसके बाद शुरू होंगी कि आपने नौकरी कितनी अच्छी की, कितने ईमानदारी से की, कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों की ज़िंदगी में आपने खुशियां लाई। तो अगर आप उसमें ईमानदारी बरतते हैं तो आप समझिए आपको भी बहुत कुछ ऊपर वाला देगा। तो कभी भी निराश मत होइए कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हमेशा ये प्रयास करिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों का अब सिलेक्शन नहीं हुआ था, जैक मा का सिलेक्शन कितनी सारी नौकरियों में नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए जैक मा कहाँ पे है। तो आप जब देखते हैं असफलताओं को तो हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करिए कि उस असफलता ने आपको क्या सिखाया है। आप कमियां अपनी देखिए, उनको दूर करिए और लगे रहिए। और मैं तो यहाँ आपके साथ लगा ही हूँ, आपके लिए बनाता ही हूँ वीडियोस, या जो भी मेरे से हो सकता है मैं करने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और मुझसे आपको उम्मीदें हैं तो वो भी आप कमेंट करिए, मैं अपनी तरफ से पूरा उसे करने की कोशिश करूँगा। तो निराश मत होइए, लगे रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी और आती ही रहेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ केवल उन्हीं के लिए ख़त्म होती है जो खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर अपना रास्ता बंद कर देते हैं, वरना तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है। इतना आप अपने आप में विश्वास रखिए, जब आपका विश्वास अपने आप में इतना अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद होगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को इनसे कुछ सीखने को मिलेगा और ज़िंदगी का जो लक्ष्य है उसको फिर से आप रीशेड्यूल कर पाएंगे और उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास फिर से आप करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को रोकता हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।